अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट हो, IIT हो या NDA हो या कोई और, तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। वीडियो को यहीं पे पॉज करना, उस क्वेश्चन का आंसर सोचना, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है एंड फिर वीडियो चलाना। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। माय क्वेश्चन इज, दो बच्चे हैं जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चा रेगुलरली 13-14-15 घंटे दिन में स्टडी कर रहा है, वहीं दूसरा बच्चा लगभग 5-6-7 घंटे दिन में स्टडी कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन से बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं? आंसर दे दिया, क्या आंसर चूज किया आपने? 13-14-15 घंटे पढ़ने वाला बच्चा। सैडली यू आर रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, 14-15-16-17 घंटे तक पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वहीं वो लोग जो दिन में 5-6-7 घंटे भी ढंग से पढ़ पाते हैं, उनका आप सिलेक्शन तो छोड़ो, रैंक भी बहुत अच्छी आती है। एंड आई एम श्योर आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे कि जो एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब उन्हीं लोगों ने टॉप किया होता है। उन्हीं में से एक मैं भी था। मैं भी कभी दिन में 6-7 घंटे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन स्टिल मैंने अपने टाइम पे अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था एंड मैंने एम्स दिल्ली में MBBS में एडमिशन लिया था। तो क्या राज है ये, क्या सीक्रेट है ये टॉपर्स का जो आप लोगों को नहीं पता? भाई हम लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा बंदा जो पढ़ेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको उतना ही रिजल्ट मिलेगा, उसकी उतनी अच्छी रैंक आनी चाहिए। बट मैं बोल रहा हूं कि होता बिल्कुल उल्टा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हार्डवर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार एंड आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन INBU। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। पर स्मार्ट वर्क होता क्या है? अब आप लोग बोलोगे कि भैया आपने बोल तो दिया स्मार्ट वर्क करना है, बट स्मार्ट वर्क करना क्या है, करना क्या हमें वो बताओ, उसके बाद तो फायदा है। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताऊंगा टॉपर्स के, जिनको यूज करके वो टॉपर बनते हैं एंड बाकी 99% बच्चों से वो ऊपर निकलते हैं। तो अगर हम बात करें स्मार्ट वर्क की, सबसे पहली चीज है आपको अपनी बॉडी के साथ लड़ना नहीं है, आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानना है, आपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग काम करना है। क्या मतलब है मेरा इससे? मान लीजिए कि आपका जो फोकस एबिलिटी है वो रात के 10-11 बजे के बाद स्टार्ट होती है, कि आप अच्छे से पढ़ाई 10-11 बजे कर पाते हैं, लेकिन वहीं अपने पेरेंट्स से कहने पे या टीचर से कहने पे आप सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं एंड आप 4-5 बजे आप नींद से ही लड़े जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई हो ही नहीं रही है, देन दिस इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। आप बिल्कुल भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं एंड आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपको अपनी बॉडी की टाइमिंग पहचाननी है, आपकी बॉडी कब काम कर रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपडेट कर दी है, अपलोड कर दी है, उसको मैं लिंक कर दूंगा। इस वीडियो के बाद जरूर जाके देखना एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उससे ही आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बॉडी से लड़ना नहीं है, बॉडी की स्ट्रेंथ पहचानो एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करो। इसी में मैं आपको सेकेंड पॉइंट यहीं पर ऐड कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपना बायोलॉजिकल इसी पॉइंट में मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं कि आपको अपना BPT यानी कि बायोलॉजिकल प्राइम टाइम पहचानना है। इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बात करता हूं एंड आई एम श्योर आपने BPT वर्ड मेरी वीडियोस में पहले सुना होगा। तो बायोलॉजिकल प्राइम टाइम वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी की जो फोकस एबिलिटी है वो 100% होती है एंड इस टाइम पे आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है एंड मोस्ट ऑफ अस, हमारे लिए वो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स अपने BPT पर करना है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उठते हैं तब पढ़ते हैं, तब आप फिजिक्स कीजिए। अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो आप रात को कीजिए, बट आपको अपने BPT के टाइम पे वो सब्जेक्ट करना है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि आपने अपनी बॉडी की एबिलिटीज को पहचानना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। सेकेंड पॉइंट है, आपने कभी भी लॉन्ग स्ट्रेचेज में नहीं पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं मुझसे बोलते हैं कि सर हम 2-5 बजे के बीच में फिजिक्स करते हैं, 2-5 बजे के बीच में केमिस्ट्री करते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से पूछता हूं कि क्या ये 2-5 PM के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, या आपके माइंड में ये थॉट्स भी आती हैं कि कल मेरा टेस्ट है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, आज क्लास में मेरे को टीचर ने डांट दिया, आज मेरे दोस्त से मेरी ये बात हुई थी। एंड मोस्ट ऑफन
बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर कुछ देर पढ़ने के बाद हमारा माइंड ऐसे वॉन्डर ऑफ करता है, तो क्या उन बच्चों के साथ कुछ गलत है, या अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ कुछ गलत है? नहीं, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हमारी जो फोकस करने की एबिलिटी है, फोकस करने की एबिलिटी मैक्सिमम 25 to 30 minutes तक लास्ट करती है, सिर्फ 25 to 30 minutes। ये शायद आपने नोटिस भी किया होगा, किसी भी क्लास में अगर टीचर आता है, जैसे टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, शुरू के 15-20-25 minutes तक बच्चे बहुत अच्छे से अटेंटिव होकर बातें सुनते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बच्चा टाइम देख रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई टीचर के कपड़े नोटिस कर रहा है, कोई क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, माइंड से कोई कहीं और ही है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम तक ही अपने 100% फोकस पर काम कर पाता है। तो आपने कभी भी लॉन्ग स्ट्रेचेस में तो पढ़ना ही नहीं है, आपने शॉर्ट बर्स्ट्स निकालने हैं पढ़ाई के, आपने शॉर्ट बर्स्ट्स में पढ़ना है। एंड ये चीज आज से कई सेंचुरीज पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढूंढ ली थी, एक साइंटिस्ट ये चीज पहले ही ढूंढ चुके हैं, एंड उन्होंने एक पूरा मेथड इन्वेंट किया था ह्यूमन नेचर की इस चीज को यूज करने के लिए, एंड उन्होंने उसका नाम रखा था पोमोडोरो टेक्निक। आई एम श्योर आपने भी ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, एंड ये चीज पर्सनली मैंने भी यूज की है, मैं आज तक इसको यूज करता हूं, उन्होंने पूरी MBBS अपनी पढ़ाई इस टेक्निक के अकॉर्डिंग यूज की है। सो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आपने कभी भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, आप जब भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को लिमिट करेंगे 25 to 30 minutes के लिए, देन आप 3 to 5 minutes का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। तो 25 मिनट तक आपने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई की, 3 to 5 minutes का ब्रेक लिया, जैसे ही 5 minutes का ब्रेक खत्म हुआ आप दोबारा से पढ़ाई करेंगे, एंड ये साइकिल आप एटलीस्ट 3 to 4 times चलाएंगे। 3 to 4 times ये चीज करने के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे 30 minutes का, एंड उसके बाद आप इस साइकिल को दोबारा 3 to 4 times चलाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि आप 2 o'clock पढ़ने बैठे हो, तो आप 2 to 2:25 2:25 तक पढ़ोगे, देन 2:25 to 2:30 ब्रेक, ऐसे ही आप करके 4 stretches चलाओगे 4 o'clock तक, देन आप 4 to 4:30 एक लंबा ब्रेक लेंगे जिसपे आप एक वॉक पे जा सकते हैं, या आप फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देख सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा से यही साइकिल चलाएंगे। अगर दिन में आपने ये 3 to 4 cycles भी निकाल ली, तब भी जो आपका टोटल टाइम है वो 6 to 8 hours का हो जाएगा, एंड दिस इज मोर देन इनफ। इसकी पर्सनल गारंटी मैं ले सकता हूं, क्योंकि ये 6 to 8 hours पढ़ के मैंने अपनी पूरी MBBS बहुत अच्छे से की थी, एंड आई पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, वो था कि आपको कभी भी लॉन्ग स्ट्रेचेस में नहीं पढ़ना है, आपको शॉर्ट बर्स्ट्स के 3 to 4 sessions दिन के निकालने हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है कि आपने हमेशा सोने से जस्ट पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है, आपने शेड्यूल बनाना है कि नेक्स्ट डे आप क्या क्या करने वाले हैं। तो आपने 3 to 4 basic goals सेट करने हैं, उनको पेपर पर लिखना है, एंड नेक्स्ट डे आपने डिटरमिनेशन के साथ उठना है कि आप इन 3-4 goals को जब तक पूरा नहीं कर लेंगे आप सोने नहीं वाले हो। तो टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आप दिन का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि आपने मेरे पहले 3 points यूज करके पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, अब आपको ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहा है, या आप क्रैमिंग की तरफ, आप रट्टे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, सुनने में भले ही बड़ा सिली लग सकता है, बट उससे सिंपल तरीका आज तक इस दुनिया में नहीं आया है। डजंट मैटर आप कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अगर आप बायो में जेनेटिक्स में डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स में आता है, या आप कोई भी सिंपल से सिंपल टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उसको इस तरीके से समझना है कि आप कल को एक 5 साल के बच्चे को वो सेम टॉपिक उसकी लैंग्वेज में समझा पाओ। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसको पकड़ो एंड आप उसको समझाने की ट्राई करो। अगर आप उस बच्चे को उसी की लैंग्वेज में वो टॉपिक का जो मेन पॉइंट्स आप समझा पा रहे हो, देन दैट टॉपिक इज क्लियर टू यू। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बच्चा नहीं समझ पाएगा, इसकी लैंग्वेज में तो मुझे नहीं आता है, तो आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो एक बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत क्रूड टेस्ट है। अगर आपको कभी भी शक हो रहा है कि आपने जो चीज पढ़ी है आपको समझ में आई भी है, या आप रट के बैठे हो, तो आप हाइपोथेटिकली इमेजिन करो कि एक 5 साल के बच्चे को आप टीच कर रहे हो, अगर आप उसको समझा पा रहे हैं, देन दैट कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। लास्ट पॉइंट है, ये सब पढ़ने के बाद आपने देख भी लिया कि हाँ भाई मैं पढ़ा भी अच्छे से रहा हूं, समझ भी अच्छे से रहा हूं, क्योंकि मैं 5 साल के बच्चे को समझा पा रहा हूं। अब आप इस चीज को रिटेन कैसे करोगे, याद कैसे करोगे? तो लास्ट पॉइंट है जो टॉपर्स यूज करते हैं, वो स्मार्ट रिविजन टेक्निक। एंड इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं यहां पे आपको बहुत छोटा सा उसका एक पोर्शन बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी है।
स्मार्ट रिविजन टेक्निक या स्पेस्ड रिविजन बोलती है कि आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको आपको 24 आवर्स के विदिन दोबारा रिवाइज करना है, देन आपको 7th डे रिवाइज करना है, देन आपको 28th डे रिवाइज करना है। इससे जो आपकी रिटेंशन पावर है वो बढ़ के 90% से भी ऊपर चली जाएगी एंड आपकी सिलेक्शन छोड़ो आपके रैंक तक को कोई नहीं रोक पाएगा। ये वाली वीडियो जिसमें मैंने स्पेस रिविजन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यूजिंग साइंटिफिक बैकग्राउंड, मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसको भी मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के बाद, उसको भी जाके जरूर देखना। अब यार ये बात मान के चलो अगर आपने पांचों पॉइंट फॉलो कर लिया है तो आपकी सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, बट मैं ये भी जानता हूं कि इनको फॉलो करना एकदम बहुत इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज माना और आप कल से शुरू हो गए और ये बहुत इजीली फॉलो हो रही है, तो इसीलिए मैं इसके लिए लेके आया हूं 21 डेज का एक चैलेंज। 21 डेज तक मेरे कहने पे कि भाई अभिनव भैया ने बोला है तो मेरे को फॉलो करना है, 21 डेज तक खुद को ये चैलेंज दो कि ये पांचों चीजें मुझे करनी ही करनी है, चाहे मेरा दिन का टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने ये पांचों चीजें फॉलो करनी ही करनी है। बिलीव मी अगर 21 दिन आपने मेरे कहने पे चीज कर ली है देन 21 दिन के बाद आपकी सिलेक्शन, आपकी रैंक बिल्कुल आपके हाथ में होगी, जो रैंक आप चाहोगे वो रैंक आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गिव अ कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।